हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी आईटीआई गेस्ट फैकल्टी की जो वैकेंसी आई हुई थी उस वैकेंसी के स्कोर कार्ड या फिर मेरिट लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 21/4/2023 यानी कि 21 अप्रैल 2023 से 29 अप्रैल 2023 तक जो एमपी में आईटीआई में मेहमान प्रवक्ता या फिर अपन बोल सकते हैं गेस्ट फैकल्टी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हुए थे, तो उनकी मेरिट लिस्ट या स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। तो इसे आप कैसे देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर रखा है। आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आपको लिखना है एमपी स्किल। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि मैंने एमपी स्किल गूगल में सर्च किया और इसके बाद यहाँ पर एमपी स्किल डेवलपमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ पर ओपन कर लेना है। एमपी स्किल की वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पर इस टाइप का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपको यहाँ पर 3 लाइंस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने दिखाई देगा व्यू स्कोर। तो यहाँ पर हम व्यू स्कोर पर क्लिक कर देते हैं। व्यू स्कोर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके सामने एप्लीकेंट स्कोर लिखा हुआ आएगा और इसके बाद आपको यहाँ पर जोन सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि आप किसी भी जोन में अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो जैसे मैं यहाँ पर इंदौर जोन सिलेक्ट कर देता हूँ। इंदौर जोन के सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से आईटीआई में आप देखना चाहते हैं, किस आईटीआई में आपने फॉर्म फिलअप किया है। ऐसे अगर आपने एक से अधिक आईटीआई में फॉर्म फिलअप किया है तो सभी में आपको अलग अलग यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर गवर्नमेंट आईटीआई बड़वाह सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको ट्रेड सिलेक्ट करना है, तो जिस आईटीआई से आपने अप्लाई किया है वो ट्रेड सिलेक्ट करेंगे और सीट टाइप में आपको दिखाई देगी, जिस भी कैटेगरी की सीट वहाँ पर होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद आपको व्यू एप्लीकेंट स्कोर पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप व्यू एप्लीकेंट स्कोर पर क्लिक करोगे तो इस टाइप से आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी कि किस कैंडिडेट के यहाँ पर कितने नंबर है। यानी कि सबसे ऊपर आप देख सकते हैं एप्लीकेंट आईडी लिखा हुआ रहेगा, इसके बाद एप्लीकेंट नेम लिखा हुआ रहेगा, फादर नेम लिखा हुआ रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, इसके बाद क्या आप विकलांग हो, इसमें आपको यस या नो लिखा रहेगा, इसके बाद यहाँ पर स्कोर लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पर ज्वाइन स्टेटस लिखा हुआ रहेगा। तो इस तरह से आपसे ज़्यादा वाले जितने भी हैं उन सभी को यहाँ पर कॉल किया जाएगा। और अगर आप यहाँ पर रेगुलर इस अपडेट को देखते रहें, जैसे जैसे यहाँ पर ज्वाइनिंग होती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर ज्वाइन स्टेटस में उस कैंडिडेट के सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि किन कैंडिडेट की यहाँ पर ज्वाइनिंग हो गई है और किसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो इस तरह से आप यहाँ पर पता लगा पाएंगे कि आपके ऊपर वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी ज्वाइनिंग होती जाएगी और आपका जो नंबर है वहाँ तक अगर आपसे नीचे वाले किसी की ज्वाइनिंग हो तो आप यहाँ पर आईटीआई में कॉल करके या फिर आईटीआई में जाकर बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पर ज़्यादा नंबर थे और आपने यहाँ पर कम नंबर वाले की ज्वाइनिंग करा दी। तो इस तरह से यहाँ पर आप पूरा क्लियर देख सकते हैं कि किसकी ज्वाइनिंग यहाँ पर हो रही है और किसकी नहीं हो रही है और आप उनसे कितना ज़्यादा हो या कितना कम हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको अपनी इस स्कोर कार्ड को यहाँ पर या फिर मेरिट लिस्ट को आपको यहाँ पर देखना है और इस तरह से आपको ये भी पता लग जाएगा कि इस आईटीआई में टोटल कितने लड़कों ने फॉर्म फिलअप किया है या फिर टोटल कितने फॉर्म फिल हुए हैं जिसमें आपने यहाँ पर भरा है। तो इस तरह से यहाँ पर 332 आप देख सकते हैं, टोटल 332 फॉर्म यहाँ पर हुए हैं और इसी तरह से आपको अलग अलग सभी तरह की सभी ट्रेड का ही देखना है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको अपना स्कोर कार्ड या फिर मेरिट लिस्ट देखनी है। इसी तरह से आप इसमें अपना चेक कर सकते हैं, अगर दूसरी ट्रेड है तो भी आपको ऐसे ही चेक करना है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।